नमस्कार, मैं हूँ रीना यादव। आप देख रहे हैं NBTV। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सोहागपुर पत्रकार संघ के सभी सदस्यों ने कोरोना वायरस संक्रमण को मात देने के लिए 24 घंटे कार्य कर रहे सरकारी डॉक्टर, मेडिकल एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर एवं नगर की साफ सफाई कर इसे साफ सुथरा रखने वाले सफाई कर्मचारियों, स्वच्छता मित्रों का बाजार क्षेत्र में ताली बजाकर वहां होंगे कामयाब एक दिन गीत गाकर सम्मान किया। वही डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी व सफाई कर्मचारियों, स्वच्छता मित्रों ने दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए गीत गाकर अपनी कर्म निष्ठा के प्रति जागरूकता का परिचय दिया। सोहागपुर पत्रकार संघ द्वारा दिए गए सम्मान को पाकर मेडिकल व स्वच्छता मित्र बहुत खुश नजर आए। उनका कहना है कि इस तरह पहली बार किसी ने हमारा सम्मान किया है, इससे हमें और अधिक अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। हम लोगों से अपील करते हैं कि हम आपके लिए अपनी जान पर खेलकर कार्य कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने घरों में रहें अपनों के लिए। हमने कर्मचारियों को मास्क और हैंड ग्लव्स दिए हुए हैं और हमने सारी व्यवस्थाएं, सैनिटाइजर व्यवस्था, सब व्यवस्था करके रखी हुई है और हम हमारे कर्मचारियों से सोशल मीडिया के माध्यम से भी और व्यक्तिगत तौर से भी हम जब काम करते हैं तो हम दूरियां बनाते हैं। धन्यवाद कर्मचारी सोहागपुर। हमारे साहब लोग, हमारे जो अधिकारी लोगों ने हम लोगों के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई है इस भयंकर बीमारी के लिए, जो हम लोग जी जान से मेहनत जो कर रहे हैं उसके लिए हम लोग सब, जैसे साहब लोग हमसे बोलेंगे जब भी हम तैयार है चीज़ के लिए, और आगे भी हम सारे लोग शहर के और सब नगर पालिका कर्मचारी, हम सभी आप इस बीमारी के लिए लड़ते रहेंगे और सब सहयोग करते रहेंगे। हमारे अमित भैया साई जी जो हैं अधिकारी जी, उनने हमारे लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था करी है, सारी ड्रेस जो सब चीज़ दी गई है उनकी तरफ से। पत्रकार संघ द्वारा आज आपका अभिवादन किया गया है, उसका अभिवादन किया गया है, कैसा लग रहा है? हम लोग अपने बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, जो हमारे लिए पहली बार इतना बड़ा सम्मान जो मिला है, पहली बार मिला हम सफाई कर्मचारी के लिए, इसलिए हम पत्रकार बंधु सभी लोगों के लिए हम बहुत बहुत आभार हैं। जी सर, बहुत बहुत पत्रकार संघ द्वारा हमारा उत्साह वर्धन किया गया, इस बात के लिए मैं बहुत ही, मेरा हौसला अफजाई हुआ तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बस जनता को ये संदेश देना है कि इस समय हम लोग सब लोग कोरोना से बहुत बुरी तरीके से जूझ रहे हैं, तो जनता भी हमारा उतना ही सपोर्ट करे जितना हम कोशिश में लगे हुए हैं। सबको जो संदेश मोदी जी और हम सभी डॉक्टर्स हमारे विभाग से जो हम संदेश को आगे बढ़ाते हैं उसको फॉलो भी करें। थैंक यू। उन्हें पत्रकारों ने सम्मान किया है, कैसा लग रहा है? हमें हमारे पत्रकार बंधु आज 20 सालों से मेरा सहयोग करते आए हैं और आज भी उन्होंने किया और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और हर हमारे जो सोहागपुर नगर के पत्रकार बंधु हैं, इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। मीडिया से हमें कोई भी खबर लगती है तो हम उनका जो भी काम उनके लिए या हमारे लिए जो जरूरी होता है हम करते हैं, और हमें इन लोगों से सारी सूचनाएं समय पे मिलती है, जिससे हम लोगों को कोई भी दुर्घटना होने वाली होती है उससे हम लोग पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। इसके लिए धन्यवाद, आप लोगों ने हम लोगों को सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।